हाँ इनको खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं आयरलैंड की बड़ी खूबसूरत जगह है पावसबोर्ड वाटरफॉल, और वहाँ का हमारा आज प्लान है, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। रास्ते में बड़े प्यारे सीन आया जी, और हमने सोचा कि यहाँ पे रुका जाए और इन नज़ारों को एंजॉय किया जाए, तो यहाँ पे हम लेते हैं जी टी ब्रेक भी साथ लेते हैं और इन साथ नज़ारों को भी एंजॉय करते हैं। ऐसी जगह पे रुक के चाय पीने का क्या मज़ा, और साथ अगर गर्मा गर्म जलेबी मिल जाए तो फिर तो क्या बात है जी। गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म जलेबी हमारे सामने मौजूद है, और बिला तहिया हम इसको शुरू करते हैं और अल्लाह के नेम का शुक्र अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाजिबा अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं जी, तमाम नेमतों का हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने नेमतों से नवाजा है और हमें इंजॉय करने की हिम्मत दी है कि हम खा सकें, इन चीज़ों को इंजॉय कर सकें। हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए जी, उनके बेशुमार अल्लाह पाक ने हमें जो नेमतें दी हैं, सबसे बड़ी नेमत तो सेहत है। सेहत है, आपकी सेहत है तो आप सब कुछ खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया जी। पहाड़ों के ऊपर खड़े होके चाय पीने का, जलेबी खाने का अपना ही मज़ा है, और पहाड़ भी यूरोप के, जहाँ पे आते जाते लोग गोरे जो देख रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि खा क्या रहा है, लेकिन मैं जितना एंजॉय कर सकता हूँ वो सोच भी नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अगेन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तमाम नेमतों के लिए। चाय के बाद निकलते हैं जी हम बाकी सफर की तरफ। हम लोग पहुंच चुके हैं जी पावसकोट वाटरफॉल। ये जी हम अपना टेंट सेटअप कर रहे हैं, ये टेंट वैसे तो दो बंदों के लिए बना हुआ है, लेकिन हम देसियों का अपना स्टाइल है, हम तो इसमें चार पांच बंदे घुस जाते हैं। तो अब हम चलते हैं जी खाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्टर में हमारे पास हैं जी सीख बाप, तो सबसे पहले हम सीख बाप शुरू करते हैं, उसके बाद हम बाकी खाने की तरफ चलेंगे। ये जी मैं पोर्टेबल स्टोव यूज़ कर रहा हूँ जो कि इंतहाई कामयाब रहा। हम जी सीख कबाब के साथ साथ इर्द गिर्द के जो नज़ारे हैं वो भी इंजॉय करने की कोशिश करते हैं। हमारे देसी खानों की खुशबू काफ़ी स्ट्रांग होती है जी, और ये काफ़ी दूर तक पहुंचती है, और लोग आते जाते देखते हैं कि क्या बन रहा है।
हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं जी और अब इनको ट्राई करने का टाइम है, बल्कि ट्राई नहीं बल्कि इनको होप खाने का टाइम है। वाह जी वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया जी, बहुत मज़े का बना हुआ है, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जी। अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है कि हम तरह तरह की चीज़ें खा रहे हैं। मज़े का, वेरी गुड, मज़ा आ गया जी, एक और लेते हैं, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने खुद तो पेट भर के कबाब खा लिए हैं, अब दूसरे फैमिली मेम्बर्स के लिए कबाब तैयार करते हैं कि मुझे उनका भी ख्याल रखना है। चिकन का सालन बनाने लगे हम लोग, बोनलेस चिकन है जी 1 किलो, इसको हमने योगर्ट में मैरिनेट किया हुआ है। अब हम जी चिकन का सालन बना रहे हैं, पहले हमने ऑयल डाला इसमें, ऑयल गर्म हो गया कढ़ाई में, और अब आपने इसमें मैंने बोनलेस चिकन जो कि रात को मैंने मैरिनेट किया हुआ था। जब तक चिकन तैयार होता है जी तब तक हम थोड़ी सैर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी सीख पाव खाने के बाद हमारी चिकन बनाने की तैयारी धड़ाधड़ जारी है। चिकन को बनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा जी, तब तक थोड़ी सैर करते हैं। मैरिनेटेड चिकन को हमने कहने के 10 मिनट जो है ना वो ऑयल में फ्राई करेंगे। ये सैर के लिए निकलते हैं जी ताकि हमारा पहले वाला हजम हो और आगे खाने के लिए जगह बने, तो इसके लिए वॉक बहुत ज़रूरी है ताकि सैर करते जाएं, एक तो सारे नज़ारे इंजॉय करें और दूसरा पेट में थोड़ी सी जगह बन जाए अगले खाने के लिए। चिकन को चेक करते हैं जी क्या पोजीशन है चिकन की, पोजीशन तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है जी,
बस ऐसे में चिकन बोनलेस चिकन बड़ी जल्दी गल जाता है, इसको तो ज़्यादा नमक टाइम नहीं देना पड़ेगा। ये भी हमारा चिकन ऑलमोस्ट डन है। और मेरे पास ये कुछ स्पाइसेस पड़े हुए हैं। इस तरफ हमारा चिकन तैयार हो जाता है जी, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे अस्पताल के सामने आप देख सकते हैं बड़ी प्यारी आबशार है। इस वक्त हम पावर स्कोट वाटरफॉल में मौजूद हैं, ये बहुत प्यारा है। यहाँ पे जो सीन आप देख सकते हैं, खाना पकाने का भी मज़ा आ रहा है, साथ इंजॉय कर रहे हैं सीन का भी, तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना माहौल बना हुआ है। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है ये, अगर आप डबलिन में आयरलैंड में तो आपको इस जगह का ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अब इसमें ऐड करने जा रहा हूँ जी मैं ओनियन, हमने ऑलरेडी कर से फ्राई किया हुआ है। अब इसमें टमाटर ऐड कर रहा हूँ, इसको चेक किया मैंने जी, इसमें रेड चिली भी काम है, तो हम ऐड कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा रेड चिली और उसमें साल्ट भी काम है एज रिक्वायर्ड, जो जो आपको पसंद है जितना आपको पसंद है उतना आप ऐड कर सकते हैं। हमने पहले रेड चिली पाउडर इसमें डाला है, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ जी, उसके बाद मैंने साल्ट डाला है, अब गरम मसाला डाल रहा हूँ मैं इसमें, थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं आप। चिकन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं आयल ऊपर आ गया। चिकन कढ़ाई हमारी जो है अपने स्टाइल की जो है ना चिकन कढ़ाई बनाई है, तो बस ज़बरदस्त तैयार हो गई है। बस इसको जो है ना चंद सेकंड के लिए यहाँ पे दम पे लगाते हैं, उसके बाद हम इसको बंद करते हैं, फिर खाते हैं। चिकन इज रेडी नाउ, टाइम टू ईट। चिकन हमारा चीख चीख कर मुझे पुकार रहा है कि जल्दी से आओ और मुझे खाओ। नान हम रास्ते से रेस्टोरेंट से ले आए थे और अब बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर पहुँचते हैं जी खाने के टेबल पे और बाकी बातें करते हैं खाने के टेबल पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हमारे खाने का टाइम है जी। बहुत मज़े का बना है, वाह जी वाह, क्या बात है जी, मज़ा आ गया। Thank you.
इतनी खूबसूरत जगह पे बैठ के खाना बना के खाने का, अपनी मर्जी से खाना बना के खाने का अपना ही मज़ा जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, इसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है, जो चाहते हैं खा लेते हैं। हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। सबसे प्यारी बड़ी नेमत जो अल्लाह ने हमें दी है वो सेहत है। तो हम करोड़ मरतबा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो हमें उसने सेहत दी है, सब कुछ खा सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अपना खाना ख़त्म कर चुका हूँ और अब हम निकलते हैं थोड़ी सी वॉक की तरफ, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा खा लिया हुआ है, अब वॉक करना जो है वो नागुज़ीर हो चुका हुआ है। तो अब वॉक करते हैं, उसके बाद देखते हैं बाकी क्या करना है। We have a very beautiful couple with us, so we just ask them how they're feeling and how they're enjoying here, what they are cooking here. Hi, how are you guys? Yeah, hello. Actually, we're from Pribaltic States, like we long time live on island. We come to that beautiful place and like make barbecue chicken and like relax that beautiful day in Ireland. Thank you very much. Lovely day, very nice day. And what you cooking today? Chicken. Alright, chicken, yeah. Okay. So I cook the chicken as well. Yeah, very nice. So I cook the spicy one, so you can't try. No, we don't like spicy, but actually like we like chicken. Oh, right, okay. Cook already. Okay, so your video will go to the YouTube, that's okay for you? Yeah, no problem. Oh, right, yeah. Okay. So thanks a lot. Yeah, thanks. Thank you. अभी जी मेरी एक बड़े अच्छे कपल से मुलाकात हुई है और वो भी चिकन बना रहे थे और मैंने उनसे पूछा कि मैंने चिकन स्पाइसी बनाया हुआ है, तो उनका यही कहना था नहीं हम स्पाइसी चिकन हम नहीं खा सकते। तो बहरहाल सब अपना एंजॉय कर रहे हैं, बड़े बहुत खूबसूरत जगह है, सब अपना एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं अपने हमें इर्द गिर्द देखना चाहिए, जो भी खूबसूरत नज़ारे हैं हमें वहाँ पर इंजॉय करना चाहिए और खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। ये अल्लाह की बनाई दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसको डिस्कवर करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, हर वक्त खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है जी, काफ़ी वॉक हो चुकी है जी और पेट में भी जगह बन चुकी है और अब देखते हैं कि हमारे पास खाने के लिए अब क्या मौजूद है। अब निम्को का टाइम है जी, निम्को हम साथ लेके आए हुए हैं, निम्को खाते हैं। निम्को मेरी फेवरेट है जी, ये हर वक्त मेरे साथ रहती है और इवन कि जब मैं छोटा था तब भी हर वक्त मेरी जेब में रहती थी जी। अब
शाम का टाइम है जी, और इस पिकनिक पॉइंट को भी बंद करने का टाइम हो गया हुआ है। उनके बंदे चक्कर लगा रहे हैं, ज़्यादातर फैमिली तो जा चुकी हैं, थोड़ी सी फैमिली जो है बाकी रह गई हैं। अब शाम का टाइम और चाय पिए बगैर बंदा निकल जाए ये भी मुनासिब नहीं है, तो थोड़ी देर हम भी बैठते हैं और कुछ चाय पीते हैं, उसके बाद हम भी वापसी की तैयारी पकड़ते हैं। इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ के जाने को आसानी से दिल नहीं करता। और हम अब बढ़ते हैं शाम की चाय की तरफ। इज फैंटास्टिक। इतनी खूबसूरत जगह और इतने खूबसूरत नज़ारों के दरमियान में बैठ के चाय पीने के बाद एक ही लफ्ज़ मुँह से निकलता है और वो है सुबहान अल्लाह। मुझे याद आया जी, रास्ते में आते हुए हमने जलेबियाँ खाई थी, उनमें से कुछ जलेबियाँ बची हुई हैं, तो क्यों ना जाके जलेबी को लाया जाए और शाम की चाय में जलेबी को भी अपने साथ शामिल किया जाए। वाह जी वाह, क्या बात है जी, जलेबी को भी हमने शाम की चाय में शामिल कर लिया, क्या बात है जी, मज़ा ही आ गया। अब तो जी जितना खाना खा लिया अब तो वाक से भी कुछ नहीं बनना, अब तो खाना हजम करने वाली गोलियों का जो है ना सहारा लेना पड़ेगा, वरना कहीं हमारा भी वो हाल ना हो जाए कि अक्सर लोग खाना खा के गिरे होते हैं और उनकी तस्वीर पर लिखा होता है मेरा पेट मेरी मर्जी। इससे पहले कि मेरा भी वही हाल हो, जल्दी से मैं हाजमुल्ला की दो गोलियां खा लूं।